आज आउट ऑफ सिलेबस के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक इमारत के बारे में जो विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण जगह लेके बैठा हुआ है। ये है 17वीं सदी में बनाए गए विश्व को चौंका देने वाला एक निर्माण जिसके साथ साथ जुड़ा हुआ है एक प्रेम कहानी। ये निर्माण सिर्फ आर्किटेक्चर का करिश्मा नहीं बल्कि एक पति के तरफ से उसके पत्नी के यादों में बनाए हुए एक स्मारक जो 350 साल पहले से लेकर आज भी सर उठा के दुनिया में अपने अस्तित्व का ऐलान कर रहा है। यह है पृथ्वी के 7 अजूबे में से एक, ये है ताजमहल। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे इसके बनने का इतिहास और इसके साथ साथ जुड़ा हुआ कुछ अनकही बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मजेदार सफर आउट ऑफ सिलेबस के साथ। मुगल साम्राज्य के सम्राट शाहजहां सिंहासन में बैठने से पहले खुर्रम नाम से जाने जाते थे। 14 साल की उम्र में उनसे मुलाकात हुआ मुमताज से। शादी से पहले मुमताज का असली नाम था अर्जुमंद बानू बेगम, जो एक मुस्लिम पर्शियन वंशज के थे। बाद में 1612 में इन दोनों का शादी हुआ और सिंहासन में बैठने के बाद खुर्रम के नाम से पहचाने जाने वाले राजकुमार का नाम हुआ शाहजहां और शादी के बाद अर्जुमंद बानू बेगम का नाम बदल के रखा गया मुमताज महल। 1631 में मुमताज के देहांत के बाद उनके यादों में शाहजहां एक ऐसा स्मारक बनाने का सोचा जो दुनिया के इतिहास में मुगल साम्राज्य का सबसे अनोखी चीज होने वाला था। ऐसे चलते 1631 में ही ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। पूरे देश के साथ साथ मध्य एशिया और ईरान से बहुत सारे कारीगर लाया गया। कुल मिला के 22,000 मजदूर और 1,000 हाथी के मदद से इमारत को बनाया गया। पूरे इंडिया यानी उस वक्त का मुगल साम्राज्य और एशिया से सफेद मार्बल लाया गया और ऐसे चलते 22 साल के कड़ी मेहनत के बाद 1653 में जाके ताजमहल का निर्माण समाप्त हुआ, जिसका अगर अंदाजा लगाया जाए तो आज के वक्त में इसका वैल्यू करीब $830 मिलियन से भी ज्यादा होगा। मुमताज महल अपने ही ख्यालों की रानी थी और बहुत जिद्दी भी थी। उनका मूड हमेशा बदलते रहते थे और इस बात को नजर रखते हुए ताजमहल को सफेद मार्बल से बनाया गया है, जिसके कारण ये इमारत दिन और रात के अलग अलग समय पे अलग अलग रंग को रिफ्लेक्ट करता है। सूरज उगने के समय ताजमहल का रंग गुलाबी आभा जैसा होता है। शाम को सूरज ढलने के बाद कुछ देर तक ये पर्ल जैसा सफेद नजर आता है और चांदनी रात में इसका रंग सुनहरा होता है। ये बदलते रंग मुमताज के बदलते हुए मूड या उनके मन की दशा को आज भी प्रतिफलित करता है। ये एक कहावत है कि ताजमहल बनाए जाने वाले सभी मजदूर और कारीगर का हाथ काट दिया गया था ताकि ये चीज दोबारा बन ना पाए। ईरान से आए उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के आर्किटेक्ट टीम का सुपरवाइजर थे, जो लाल किला का फाउंडेशन भी डिजाइन किया था। ताजमहल को बनाने के समय इसके डिजाइन में 28 किस्म के प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन से इसको सजाया गया था। इन पत्थरों को तिब्बत, चाइना और श्रीलंका से लाया गया था, लेकिन ये पत्थर के ज्यादातर हिस्से ब्रिटिश ने लूट लिया था। यहाँ तक कि ताजमहल के बाहर जो लॉन्स दिखाई देता है वो असल में ब्रिटिश ने रेनोवेट किया था। ब्रिटिश राज आने से पहले ताजमहल के बाहरी हिस्से में डैफोडिल्स, गुलाब और फल के पेड़ों का बागीचा था, लेकिन ब्रिटिश राज आने के बाद ये बाहरी हिस्से को लंदन के सड़कों के तरह डिजाइन किया गया था और ये लॉन्स बनाया गया था। 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर और 1965 से लेकर 1971 पाकिस्तान के साथ युद्ध होने के समय ताजमहल को दुश्मन के हवाई हमले से बचाने के लिए इस इमारत का ज्यादातर हिस्सा बैम्बू से कवर कर दिया गया था। ताजमहल का फाउंडेशन टिम्बर वुड से बनाया गया था। ये टिम्बर वुड आज भी ताजमहल का भार झेल रहा है। अगर देखा जाए तो
कई सौ साल पहले का ये लकड़ी आज भी इस विशाल निर्माण को सपोर्ट कर रहा है। इसका एक लौता कारण है यमुना नदी। ताजमहल इस नदी के एकदम पास होने के कारण इसके नीचे का फाउंडेशन वुड को प्रॉपर मॉइस्चर मिलता है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये नदी अगर नहीं रहता तो टिम्बर वुड्स पूरा सूख जाता और ये इतना भार झेल नहीं पाता। तो असल में देखा जाए तो यमुना नदी के पानी ताजमहल का फाउंडेशन को प्रॉपर मॉइस्चर देता है, जिसकी वजह से आज भी ये इतना वजन झेल सकता है। और एक चौंका देने वाला बात यह है कि ताजमहल के बाहरी हिस्से में बने हुए चार मीनार बाहर की तरफ झुका हुआ है। इसका एक कारण यह है कि अगर भूकंप आए तो उस समय ये चार मीनार बाहर की तरफ ही गिरेगा, उससे ताजमहल के ऊपर बने हुए विशाल गुंबद को चोट नहीं पहुंचेगा। ताजमहल का निर्माण पहले आगरा में प्रस्तावित नहीं किया गया था। शाहजहां इसका निर्माण बुरहनपुर में करने का फैसला लिया था, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है, क्योंकि मुमताज की मृत्यु बुरहनपुर में ही हुआ था। अपने 14वें बच्चे का जन्म देते समय मुमताज की मृत्यु हुई थी, इसीलिए सबसे पहले शाहजहां ने उसी जगह पे ताजमहल को बनाने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन बुरहनपुर में उतना व्हाइट मार्बल का सप्लाई पॉसिबल नहीं था, इसीलिए बाद में आगरा को चुना गया। मुमताज के देहांत के बाद बुरहनपुर में पहली बार उनको दफन किया गया था। फिर ताजमहल का काम खत्म होने के बाद फिर से महल के अंदर इनका कब्र बनाया गया। शाहजहां के प्रस्तावित ताजमहल के नक्शे में असल में दो आइडेंटिकल ताजमहल का निर्माण डिजाइन करने का प्लान था। यमुना नदी के जिस तरफ आज ताजमहल है उसके दूसरी तरफ ठीक ताजमहल जैसा और एक निर्माण को प्लान किया गया था, जो ब्लैक मार्बल से डिजाइन करने का सोचा गया था। लेकिन ताजमहल के बनने से पहले ही शाहजहां अपने सिंहासन खो बैठे और अपने ही बेटे के हाथ बंदी हो गया। शाहजहां के बाद उनके बेटे औरंगजेब सिंहासन पे बैठा और अपने ही पिता को बंदी बना लिया था। शाहजहां अपने जीवन के अंतिम समय एक बंदी होकर गुजार दिया। शाहजहां जिस जगह बंदी बन के गुजारा किया उस जगह का नाम था मुसम्मन बुर्ज, जो आगरा फोर्ट के अंदर है, जिसे आज जैस्मिन टावर के नाम से जाना जाता है। आज भी उस जैस्मिन टावर से ताजमहल को देखा जा सकता है। तो ये था आउट ऑफ सिलेबस की तरफ से एक छोटा सा प्रेजेंटेशन। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आउट ऑफ सिलेबस को। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ।